जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे 8.1 का आपका लास्ट सवाल है और आज हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। और यदि अभी तक आप लोग नहीं सीखे हैं, नहीं समझे हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी एक नए तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप ध्यान से देखिए। देखिए, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री का है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित में है, पहला का मान आपको क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला लाइए तो मैं बना, ठीक है, बोर्ड पर भी हम बना के देखते हैं कहीं हमसे बने कि नहीं बने। देखिए, हाँ भाई, देखिए ना, यहाँ पे आप देखिए कहीं नया तरीका से बता रहे हैं, जो बच्चा नहीं समझे वो भी समझ लेंगे। तो आपको क्या करना है, हल करना है। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया है tan a बराबर 1/√3। एक त्रिभुज आपको यहाँ पे देखिए हम बना लेते हैं, और त्रिभुज होगा आपका समकोण, ठीक है। देखिए इसका नाम ए बी सी, वैसे कहा जा रहा है बी आपका समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए tan बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, पी बटे बी होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। पी का मान आपका हो गया 1, बी का मान हो गया आपका √3, और एच बराबर हम लोग को वाट है निकालना है। तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बस यही आप याद रखिएगा, यही से पूरा बनेगा। मेन रूल यही है, कर्ण मतलब एच स्क्वायर बराबर सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए एच स्क्वायर बराबर करेंगे ना, तो हम पी स्क्वायर, तो पी का मान 1 है, 1 का कितना स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे √3 है, √3 का कितना स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का खत्म हो जाएगा, खाली 3 बचेगा अपना, ठीक है ना। तो बच गया यहाँ पे 3, ठीक है ना। देखिए तो अब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 3 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब यहां से देखिए स्क्वायर हटेगा ना एच पर से, तो उधर सामने वाले पे क्या चढ़ जाएगा, रूट, यहाँ पे चल जाएगा रूट, और तब जाके एच बराबर आपका 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ पे निकल गया आपका एच का मान निकला 2, पी है आपका 1 और बी मतलब आधा है आपका √3। चलिए अब हम चलेंगे इस सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। सवाल बनाने के लिए आप यहाँ पे देखिए, पहला सवाल हम लोग पहले डील करेंगे फिर दूसरा सवाल को बनाएंगे। पहला हमें कहा जा रहा है साइन ए, क्या यहाँ पे साइन ए बराबर आपको याद होना चाहिए सूत्र क्या होता है, पी बट्टा एच यानी लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, इंटू है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो गुना है। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब कॉस ए फॉर्मूला तो वही होगा, पी बट्टे एच गुने साइन सी, पी बट्टे एच, अरे अन्नो हल्ला कम करो ना, हो गया। अब देखिए एक बात समझिए, ए है और सी है, यहाँ पे अंतर होता है सवाल को समझने में, इस बात को समझिए आप। ए है मतलब ये कौन कहा जा रहा है, इसके लंब आपका क्या होगा √3, पी का मान, और एच क्या होगा, एच तो 2 का 2 ही रहेगा, गुणे करेंगे। अब कॉस सी है, कॉस सी तो यही होता है, तो इसके लिए लंब ये आधार तो यही होगा, हमको आधार लेना है बी, तो हो जाएगा आपका √3 बट्टे हो जाएगा कर्ण 2 प्लस, है ना। देखिए अब हम लोग लेंगे कॉस ए, में यहाँ पे देखिए बी बट्टा एच है, कॉस ए है, तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा, तो 1 बट्टा होगा 2 क्योंकि कर्ण है यहाँ। साइन सी, सी का मतलब ये हुआ, इसके लिए लंब ये हो गया, तो लिंग गुना होगा 1 बट्टे एच का मतलब 2। यही बात को आपको यदि समझ में आ जाता है तो सवाल आपके लिए मोर ही बन जाएगा, ठीक है। और √3 को √3 से करेंगे तो 3 होगा सीधा सीधी, कहिएगा कैसे, तो √3 को √3 से करेंगे तो रूट आपका क्या होगा 9, और 9 का वर्गमूल होगा आपका 3, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब 2 के 2 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, तो 2 × 2 = 18 चलिए सही है, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का लघु उत्तम 4, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, कट जाएगा आंसर, निकल जाएगा आपका
एक। आई होप कि यहां तक आप समझे होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखेंगे दूसरा सवाल भी इसका है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे समझ में आप लोग आ रहा है कि रूट 3 उधर जाएगा, ये इधर होगा, ठीक है। ये देखिए कहाँ से कंडीशन चेंज होता है, देखिए टेन ए है ना, ए आपका यहाँ पे है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये तो लंब हम लोग इसको मान लेते हैं, यही बात ना, इसको और आधार मान लेते हैं आपका लंब, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा रूट 3, उससे ज्यादा फर्क नहीं, ये दोनों में कोई फर्क नहीं होता, कर्ण का ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है ना। चलिए बाकी कोई इसमें कोई खास नहीं है, बस ये सही था। चलिए अब दूसरा सवाल को हम देखते हैं, आइए दो नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए दो नंबर सवाल कहता है कॉस ए, तो सूत्र तो वही हो जाएगा बी बट्टे एच हो जाएगा, गुणे कॉस सी, तो बी बट्टा एच ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, साइन ए तो पी बट्टा एच हो जाएगा क्योंकि लंब बट्टा कर्ण होता है, गुणे साइन सी पी बट्टा एच। फिर से देखिए मान आपको कैसे लिखना है, बी कॉस ए है, तो कॉस ए यहाँ पर ये है, इसके लिए हो जाएगा लंब ये और आधार ये, तो आधार हमको लेना है, तो रूट क्या हो जाएगा आपका 3, और कर्ण तो आपका 2 का 2 ही है, गुना करेंगे बी बट्टा एच है यहाँ पे कॉस सी, लेकिन सी है तो इसके लिए फिर लंब ये और आधार ये ही हो जाएगा 1/2, माइनस करेंगे साइन ए, ए है तो इसके लिए लंब आपका ये हो जाएगा, ये कौन है तो इसके सामने वाला लंब होता है, 1 हो जाएगा, कर्ण आपका 2 का 2 ही, गुना पी, अब देखिए कॉस साइन सी यहाँ पे ले रहे हैं, सी यहाँ पे है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा तब, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका रूट 3 बट्टा कर्ण का, तो वही हाल रहेगा 2 का 2 ही रहेगा, है ना। अब देखिए क्या करें, रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो रूट 3 बट्टा 2 के 2 से करेंगे तो 4, माइनस रूट 3 को 1 से करेंगे तो रूट 3 और 2 के 2 से करेंगे तो 4। यहाँ पे देखिए सेम दोनों बगल कट दीजिएगा, 0 आंसर आ जाएगा, या फिर घटाइएगा तो आपका आंसर 0 आएगा, आराम से बन गया। चलिए देखते हैं 10 नंबर और लास्ट सवाल, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। वास्तव कहते हैं कहीं कहीं देखिएगा गांव में कि बच्चा चुपचाप मेहनत करेगा, एकदम लगेगा कि बता है, एकदम पढ़ता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, मतलब चुपचाप इतना मेहनत करके पढ़ेगा कि रिजल्ट आएगा तो पूरे गांव में शोर मच जाएगा कि फलनामा का बेटा क्या हुआ, गंगा बहा दिया, एकदम टॉपर ही बन गया। ये पता ही नहीं था को कभी गाँव में नजरों नहीं आया, डीबीओ बार के पढ़ रहा था। एक गरीबी गरीबी होता है बच्चा, अभी देखिए अभी के माहौल के अनुसार वास्तव में जो टॉपर है वही आ रहा है, एक मेहनत करके जो लड़का पढ़ता है, मेहनत जिसको कहते हैं मेहनत, वास्तव में वो मेहनत करता है, वो दिन रात एक कर देता है पढ़ने में। हम इंटरव्यू में देखे एक लड़का को 482 इस बार 6ठा रैंक लाया है, उन्होंने बताया सर कि हम इतना मेहनत कर लिए थे मैथ हर में अच्छा किसी विषय में कि हम आंख बंद करके हमारा हाथ सीधा अच्छा घूम रहा था सही सही सवाल की दिशा, इतना मेहनत कर लिया था। एक जुनून होना चाहिए आप सब के अंदर कि हमको टॉपर बनना है, चुपचाप मेहनत कीजिए, उसमें कोई आपके साथ नहीं है, आपका दोस्त भी आपके साथ में आपको कुछ भी कह सकता है, यहाँ पर रिश्तेदार आपको काम नहीं देंगे, रिश्तेदार अभी क्या, अभी शादी फंक्शन का समय चल रहा है, मुंडन हो रहा है तो शादी है, उसका जनऊ है, मतलब क्या होता है, जीवा क्या है आपका चटपटी है, तनिका वो जाते मीठा उठे खाते है कि नहीं, मतलब क्या होता है, जाने की इच्छा होता है, और वही रिश्तेदार आपको कहेंगे अब आओ कोई दुकानदार आइए फोन पर करेंगे, वही रिश्तेदार आपका जब रिजल्ट आएगा तो पूछेगा क्या हुआ रिजल्ट, आप जैसे कहेगा रिजल्ट गड़बड़ा गया, और मेहनत पड़ता क्या था तुम, वही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे हम आपको अपने शादी में बुलाए थे, ये बात नहीं कहेगा, कहता है नहीं कहता है। ये जिहवा जो है रहीम जी सही बताए थे, रहीमन जिहवा बावरी कहीं गयो सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई ज्योति खात कपाल, सही बोले थे।